नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन नितिन गडकरी आज गाजियाबाद के डासना पहुंचे और वहां पर टीएमसी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर बिल्डिंग में तमाम वह चीजें की गई जिसके चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। भारत का पहला मल्टीलेव फ्री क्लो टोलिंग सिस्टम है जिसमें एंट्री और एग्जिट पर कोई टोल नहीं है। ओवर स्पीड डिटेक्ट के लिए भी कैमरा लगाए गए हैं जिसके बाद अब घंटों का सफर मिनटों का हो जाएगा। देश का पहला एडवांस सिस्टम यहां लगाया गया है। जापान की टेक्नोलॉजी के साथ इस सिस्टम को तैयार किया गया है। साथ ही यदि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसी व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है या कोई भी समस्या आती है तो यह सभी चीजों पर सिस्टम मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा यह एडवांस सिस्टम 146 कैमरों से लैस है। इन कैमरों की मदद से ही टीएमसी सेंटर में बैठे कर्मचारी हर एक व्यक्ति पर नजर रख पाएंगे जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री केशव जी की उपस्थिति में हम लोग अभी कानपुर से लखनऊ इसका शिलान्यास 10-12 दिन के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसके आगे का भी काम हम करेंगे। जैसे गाजियाबाद इस टॉर्चू से आपने जो वीके सिंह साहब के ऊपर जो प्रेम व्यक्त किया है उसी प्रेम और विश्वास के साथ उन्होंने आपके प्रति जो जिम्मेदारी थी वो हाईवे बनाने से निश्चित रूप से पूरी होगी। हाईवे बनाने से केवल नहीं होगा तो गाजियाबाद और ये जो पेरिफेरल रोड है इसको लेकर अगले सप्ताह में मेरे घर पर एक मीटिंग है। दिल्ली ये अभी देश की सबसे पोल्यूटेड सिटी है और इसलिए दिल्ली के कंटेनर डेपो उसके साथ बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क, गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, होलसेल मार्केट, जिसके कारण दिल्ली में कंजेशन होता है। तो ये पूरा मार्केट हमारी लॉजिस्टिक कंपनी जो है जो करीब 2 लाख करोड़ के काम कर रही है, तो हमने एक योजना तैयार की है। मनोज कुमार उस कंपनी के अध्यक्ष है और योजना ये है कि दिल्ली के पेरिफेरल रोड पर हम लैंड एक्वायर करेंगे और जहां रेलवे की कनेक्टिविटी होगी वहां मल्टी मोडल हब बनाएंगे। और जनरल साहब, आपके एरिया में जो कंजेस्टेड इंडस्ट्रीज है, गोडाउन है, इनको सबको उधर लेकर जाएंगे और यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, पोल्यूशन फ्री सिटी बनेगी और निश्चित रूप से ये पेरिफेरल रोड जाने के कारण दिल्ली का कंजेशन कम होगा, गाजियाबाद का कंजेशन कम होगा और निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, नए नए उद्योग आएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे और यहाँ का पोल्यूशन भी कम होगा।